हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14 जून 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट saragyan.com पर विजिट करें। वहाँ करंट अफेयर के सेक्शन में आपको 14 जून के करंट अफेयर का पीडीएफ भी मिल जाएगा और आप उसकी वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज के लिए हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि शुरू के 10,000 स्टूडेंट्स के लिए यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। परचेज करते समय बस आपको कूपन कोड 0 अप्लाई करना है, जो कि टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाएगी। हम जल्द ही ग्रुप डी, बैंक पीओ, क्लर्क और एसएससी की भी टेस्ट सीरीज अपलोड करने वाले हैं और बेस्ट व्यू रिजल्ट के लिए टेस्ट सीरीज को लैपटॉप या डेस्कटॉप में ही ऑन करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अब बात करते हैं इस प्रमाण पत्र के बारे में। तो मिशन सुविधा परियोजना के तहत एससी और एसटी कल्याण विभाग के राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए यह परियोजना शुरू की गई है और इसके तहत ओडिशा जनजाति छात्रों के छात्रावासों के लिए ओडिशा राज्य को आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, जो कि पहला राज्य बना है देश का। बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की ओडिशा से जुड़े। तो ओडिशा ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है। ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, यहाँ के राजधानी भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। आपको नवीन पटनायक से एक पॉइंट और याद रखना है कि 2020 का जो हीरो टू एनिमल्स अवार्ड है वह भी नवीन पटनायक को दिया गया, जो कि पेटा इंडिया के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। आगे बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स की। जैसा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है, जिसके तहत इस शहर को जो है कंप्लीट सूर्य नगरी के रूप में विकसित किए जाने की बात की जा रही है। साथ ही आपको और भी याद रखना है कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदिर का निर्माण जो है कब करवाया गया था, तो यह 13वीं शताब्दी में किया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, तो यह पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। और यह भी पूछा जाता है कि यह मंदिर किस देवता को जो है समर्पित है, तो इसका सही आंसर है यह सूर्य देव को समर्पित है। आगे की बात करते हैं इस कुछ और पॉइंट्स की। तो इस मंदिर को यानी कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है और इस मंदिर का एक और नाम है जिसे ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन बना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी NHAI पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र यानी कि फर्स्ट डेवलपमेंट डिवीजन टू गो फुल्ली डिजिटल जो है पहला संगठन बना है। अब बात करते हैं इस पॉइंट्स के बारे में, यह कैसे बना है। तो NHAI यूनिक क्लाउड आधारित तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बिग डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर डेटा लेक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को कोरोना वायरस महामारी के से निपटने के लिए लॉन्च किया गया था और यह ऐसा करने वाला जो है पहला संगठन बना है। और इसके कारण क्या संभव हो पाया है, यह संभव हो पाया है कि जो कर्मचारी हैं वह बिना फाइलों को टच किए एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं ऑनलाइन। और यह क्या है, एक ऑनलाइन माध्यम बनाया गया है जिसके तहत ऐसा करने वाला NHAI जो है पहला संगठन बना है। अब बात करते हैं NHAI की। तो NHAI की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और इसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधु। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। आपको कुछ और पॉइंट याद रखने हैं। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, फीफा द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत 198 स्थान पर है फीफा द्वारा जारी की गई ताजा रैंकिंग के अनुसार। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर बेल्जियम है, फ्रांस दूसरे स्थान पर है और ब्राजील तीसरे स्थान पर आते हैं। आगे बात करते हैं फीफा से जुड़े। तो फीफा की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी
फुटबॉल एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1904 में की गई थी। इसके प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेंटिनो और इसका जो हेडक्वार्टर है वह स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। आपको फीफा से कुछ और पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट में किया जाएगा। एक पॉइंट और याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाना था अब उसे 2021 में आयोजित किया जाएगा और यह भारत के 5 शहरों में आयोजित किया जाएगा जिनमें है अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मध्य प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के। तो जैसे कि आपको यह भी याद है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कर्मवीर पदक प्रदान करने का निर्णय लिया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक सेवा करने वाले सभी पुलिस कर्मियों के लिए। आगे की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना की शुरुआत की गई है। स्ट्रीट वेंडर के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जीवन अमृत योजना की भी शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है जो कि मध्य प्रदेश ने देश की पहली सुविधा को इस प्रकार की पहली सुविधा को शुरू किया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ही जो है चरण पादुका नामक अभियान को शुरू किया है जिसके तहत राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों को चप्पल और जूते प्रदान किए जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की, तो मध्य प्रदेश जो है देश का पहला राज्य बना है जो स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध करा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद पुलिस के द्वारा महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बात करते हैं स्त्री के लिए, तो स्त्री की फुल फॉर्म है शी ट्राइम्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट, यानी कि इस योजना के तहत महिलाओं को सम्मान, समान और सशक्तिकरण के द्वारा उन्हें का उत्थान किया जाएगा। आगे बात करते हैं इस योजना के बारे में, तो हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर महिलाओं पर हो रहे घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार को की सहायता करने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया है जिसका नाम है स्त्री। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की, तेलंगाना अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है जो कि दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। हैदराबाद के कई और नाम हैं, यानी कि कह सकते हैं हैदराबाद के कई और निक नेम हैं जिनमें हैं हाईटेक सिटी, सिटी ऑफ पर्ल्स, सिटी ऑफ निज़ाम एंड वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बिरयानी। आपको यह भी याद रखना है हैदराबाद से जुड़े 3 पॉइंट्स आपको बहुत ही जरूरी है याद रखना है, जिसमें है हुसैन सागर झील, सालार जंग संग्रहालय, चार मीनार जो कि हैदराबाद में। आपको इस बात से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कुतुब मीनार की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे मीनार और मीनार शब्द दोनों है इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुतुब मीनार की बात होगी तो दिल्ली में है और चार मीनार की बात होगी तो यह हैदराबाद में है। हम आपको कमेंट बताते हैं कि दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उसका जो निर्माण करवाया गया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हैदराबाद का जो चार मीनार है यह किसके द्वारा बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में आनंद मोहन जुत्थी गुलजार देहलवी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि वे लेखक थे। आनंद मोहन जुत्थी गुलजार देहलवी जो है लेखक थे। अब बात करते हैं इनके बारे में, तो ये फोटो में है आनंद मोहन जुत्थी गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हुआ है और ये उर्दू के मशहूर कवि थे। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि विज्ञान के क्षेत्र में एकमात्र पत्रिका साइंस की दुनिया के ये संपादक भी थे जो कि उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका थी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UTI म्यूचुअल फंड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि इम्तियाजुर रहमान को UTI म्यूचुअल फंड के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ये फोटो में है इम्तियाजुर रहमान जिन्हें UTI म्यूचुअल फंड के
CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। UTI म्यूचुअल फंड क्या है, तो यह एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। और UTI की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आपको याद रखना है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है UTI की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लॉकडाउन लाइसेंस किसके द्वारा लिखी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि शोभा डे के द्वारा हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लॉकडाउन लाइसेंस लिखी गई है। ये फोटो में देख रहे हैं जो पुस्तक का कवर पेज है, जिसमें लिखा है लिविंग एंड अदर स्टोरीज लॉकडाउन लेसन्स, जिसके लिखा गया है शोभा डे के द्वारा। ये फोटो में है शोभा डे, जिनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना को लॉन्च किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना को लॉन्च किया है। इस योजना की अगर हम बात करें तो इसके तहत सरकार द्वारा चयनित लड़कों और लड़कियों को जो है 1,000 रुपये और 1,200 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए शुरू की गई है। और आगे बात करें अगर इस योजना के बारे में, तो 6,000 रुपये का अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी यदि जो बच्चे हैं 8, 9 और 10वीं पास कर लेते हैं, तो उन्हें प्रत्येक कक्षा को पास करने के लिए 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसा कि हाल ही में करंट अफेयर से जुड़ा पॉइंट आता है कि गो हत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने की के लिए जो है अध्यादेश को मंजूरी भी दी है उत्तर प्रदेश राज्य ने, जिसमें शारीरिक जो है अगर क्षति पहुंचाई जाती है गाय को तो 7 साल का कारावास, और यदि गौ हत्या की जाती है तो 3,00,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो कैपिटल यहाँ की लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसी है। यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आगे की अगर हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा राज्य, क्योंकि यह हर वीडियो में हम आपको बताते हैं अगर यह क्वेश्चन आता है, तो सबसे छोटा राज्य जो है किसके मामले में, जनसंख्या के मामले में, तो सिक्किम है। अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि यदि सबसे बड़े क्षेत्रफल की बात की जाए, तो भारत का सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के मामले में कौन सा है, तो वह है राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के मामले में कौन सा है, वह है गोवा। तो आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय जो है खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में ही ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा। आपको यह भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में ही श्रीराम जन्मभूमि है जो कि अयोध्या में है, और अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि विश्व के 7 अजूबों में ताजमहल जो शामिल है, वह भी उत्तर प्रदेश के आगरा में है, और यह यमुना नदी के तट पर बनाया गया है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स की, तो उत्तर प्रदेश का जो ताजमहल है उसका निर्माण करवाया था मुगल सम्राट शाहजहां ने। किसके लिए निर्माण करवाया था, तो अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसका निर्माण करवाया था। इसके आर्किटेक्चर कौन है, तो इसके आर्किटेक्चर हैं उस्ताद अहमद लाहौरी, और इसे जो है यानी ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में सहकार मित्र योजना को किसने लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को कृषि के क्षेत्र में इंटर्नशिप जो है करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। आपके लिए जो है आज का प्रश्न है यह कि हाल ही में YSR जगन्नाथ चिदोडू योजना को किस राज्य ने शुरू किया है। तो आपको अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। हम आपको एक हिंट दे देते हैं, YSR के लिए हम आपको एक राज्य का नाम बताते हैं, वह आपको याद रखना है। कई बार इसकी योजनाएं भी आई हैं, कल के वीडियो में भी यह दिया गया है, तो आपको जरूर याद रखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करना, शेयर करना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। रजिस्ट्रेशन नहीं किया है NTPC की टेस्ट सीरीज के लिए, तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।